पुलिस थाना घटिया द्वारा हत्या के दो आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने इस हत्याकांड का खुलासा किया। 20 जुलाई को सूचनाकर्ता भीम सिंह ने ग्राम नजरपुर चौकी को रिपोर्ट किया था कि 20 जुलाई की रात करीब 1 बजे की बात है, ग्राम नजरपुर चौकी के पास उच्चनागर रोड में कोई अज्ञात वाहन चालक के द्वारा अपनी गाड़ी को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर मेरे लड़के दिनेश बंजारा को टक्कर मार दी, जिससे उसको सिर, कमर तथा हाथ पांव में चोट लगी। पिता की रिपोर्ट पर मृत पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। इसी दरमियान जांच में मृतक दिनेश बंजारा द्वारा आरोपी संतोष बंजारा की पत्नी को फोन लगाकर नजरपुर चौकी पेट्रोल पंप के पीछे मिलने बुलाने की बात पर से आरोपी गण संतोष बंजारा और उसके बड़े भाई भगवान बंजारा द्वारा मृतक दिनेश बंजारा को डंडे से मारपीट कर हत्या कर लाश को दुर्घटना का रूप देने के उद्देश्य से उज्जैनागर रोड नजरपुर चौकी के रोड पर फेंक दिया था। वहीं चश्मदीद साक्षी व मृतक दिनेश बंजारा के पिता भीम सिंह तथा पीएम रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला दुर्घटना का नहीं होकर हत्या का पाया जाने से अपराध क्रमांक 336/2021, धारा 302, 201/34 भादवी की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए, जिनके पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश पुरिया एवं अनुविभागीय अधिकारी आर के राय के मार्गदर्शन में पुलिस थाना घटिया के थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान के नेतृत्व में टीम का गठन कर सतत आरोपियों की तलाश पतारसी कर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर घटना में प्रयुक्त हथियारों एवं मृतक दिनेश बंजारा के मोबाइल की बरामदगी करने में सफलता हासिल की। साथ ही आरोपी गण संतोष पिता रामजी बंजारा निवासी नजरपुर और भगवान निवासी नजरपुर चौकी थाना खटिया को गिरफ्तार किया है। इस मामले में चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह वंदेवार, उपनिरीक्षक पीएस यादव एबी खाका, उपनिरीक्षक आरक्षक गण अरविंद यादव, महेंद्र यादव, प्रदीप, मोहम्मद शरीफ, विजय, कपिल, सैनिक मोहनदास बैरागी, कमल बंजारा आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 20/7/2021 को सूचनाकर्ता भीम सिंह पिता हजारीलाल ने रिपोर्ट किया था कि इसका जो लड़का है मृतक दिनेश, रोड एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई है और उसकी रिपोर्ट पर से थाना में मर्ग पंजीबद्ध किया गया था। मर्ग की जांच की गई, जांच के दौरान चश्मदीद साक्षी भी आए थे और मृतक के पिता के कथन लिए गए। पीएम रिपोर्ट भी प्राप्त की गई जिसमें एक्सीडेंट ना होते हुए वो एक हत्या का प्रथम दृष्टया अपराध पाया गया, जिस पर से वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अपराध पंजीबद्ध कर आज दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है मामले में और सुबह माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। सर, इसमें जो आरोपी हैं उनकी तलाश किस तरह की गई, किस तरह छानबीन की गई थी आपकी? आरोपी चूंकि नामजद हो गए थे तो उनके घर पे और आस पड़ोस में तलाश की गई, तो पता चला कि कदवाली फंटे पे दो लोग खड़े हैं और मामले के आरोपी ही हैं जो कहीं बाहर जाने की फिराक में हैं, तो तत्काल दबिश देकर उनको हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया गया है। जुर्म स्वीकार करने पर आरोपियों की गिरफ्तारी उपरांत उनसे जो घटना में प्रयुक्त आला जर्ब है उनको भी बरामद किया गया है और मृतक का जो मोबाइल था वो भी आरोपी के घर से बरामद किया गया। कितना आरोपी गिरफ्तार हुए? दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इसमें दो ही हैं या अन्य और? दो ही आरोपी हैं और दोनों सगे भाई हैं।